तो गाइस ये देखिए अभी रियो को मैंने कोल्ड स्टार्ट दिया हूँ एंड कितना गंदा हो चुका है गाइस पूरा। ये देखिए गाइस अभी इसको देखिए प्रिंट बैठ गया, सो अभी इसको धुलवाने ले जाऊंगा गाइस। एंड लास्टली मैंने टेल टाइड भी चेंज कर चुका हूँ, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके चेक कर लीजिए। तो ये वार्म अप हो जाएगा गाइस, यहाँ पर ये 50 ऊपर चला जाएगा तो हम लोग निकलते हैं, चलिए। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। तो गाइस अभी नियर अबाउट 2 हफ्ता बाद में इसको निकाल रहा हूँ लेके। बारिश भी स्टार्ट हो गया गाइस, क्या ही करें आप। जितना बिजी रोड उतना ज्यादा रिएक्शन गाइस, लेकिन पानी गाइस एकदम मतलब छोटा छोटा गाइस, उतना आपको फील नहीं होने वाला लेकिन बहुत सारा गिर रहा है। कैमरा में तो समझ नहीं आने वाला, फिर मैं कैमरा पूरी वो कर लेता हूँ गाइस। बस तो बस पावर আসতে একদম। হ্যাঁ লেবো আরজি রিপন, আরজি আরজি তো পড়টা রিপন ঘোষ। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই, দেখা হয় পরে। এলাম তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই। তো গাইস ये हम लोग आगे वॉश करवाने। कॉल मेरा 6 आवर भी वॉश हो रहा है, इसके बाद 10 आवर होगा। ये फोम वॉश होने वाला है एंड अगर आपको फोम वॉश करवाना है तो मैं कॉन्टैक्ट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऑब्वियसली गाइस कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा भैया से। टेनर का फोम वॉश हो रहा है देखो, एंड गाइस ये ब्लैक है ना उसमें जब ये व्हाइट व्हाइट लग रहा है पूरा लग रहा है कि स्नो गिरा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो हे गाइस अभी देखिए रियो का वॉश अभी हो चुका है एंड मैं अभी हूँ कोई कोटो सर्विस में। तो गाइस मैं अभी भैया से लाइक जो यहाँ का ओनर है तो उन लोग से पूछ लूँगा कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं, लाइक कौन सा क्या सेक्शन है क्या मिलता है। तो अगर आप लोग आना चाहते हो इधर गाइस आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि इधर क्या काम होता है, तो ऑब्वियसली डू विजिट हियर गाइस एंड चलिए मिलते हैं भैया से जिसका जो ओनर है। तो गाइस अभी मैं हूँ कोई कोटो सर्विस का जो ओनर है उनके साथ, अगर आप लोगों का कुछ क्वारीज होगा तो गाइस वो भी जान लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या काम होता है एंड क्या क्या सेक्शन है अलग से। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, पहले ये जो सेक्शन है हमारे पास ये जो बैटरी चार्जर है, बैटरी का भी मतलब सिस्टम है। ओके
आपको 149 में यहाँ पर इतना सारा चीज है, 16 चीजें गाइस वो मिल जाएगा। पिकअप एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन है आप लोग, मतलब कोई अगर मतलब बिजी है तो अगर कॉल करते हैं तो उसका बाइक लेके आते हैं, सर्विसिंग करके उसको वापस लेके भी आते हैं। ओके ओके। तो गाइस ये देख लीजिए, ये है पूरा लाइक बाइक सेक्शन एंड लाइक यहाँ पर सर्विसिंग होता है मेनली, आपका कोई काम होता है यहाँ पर R15 से स्टार्ट करके गाइस आपका लाइक 600 से कोई भी सर्विसिंग होता है गाइस आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे बिलिंग वगैरह भी होता है, ठीक है, पार्ट्स सब यहाँ पे मिलता है। ओके, तो गाइस ये आप देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी पार्ट्स अगर आप ढूंढते हो तो मिल जाएगा। अगर कोई पार्ट्स अवेलेबल नहीं है तो आप भैया को बोलोगे तो भैया वो ला के दे देंगे। राइट, अगर अवेलेबल नहीं होता तो हम लोग अरेंज कर देते हैं, अगर ऑर्डर करना पड़ता है तो 2-4 दिन वेट करना पड़ता है, लेकिन अरेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है कस्टमर सर्विस, अगर आप आते हो यहाँ से सर्विसिंग करवाने तो गाइस यहाँ पर बैठोगे आप एंड आपका गाड़ी यहाँ पर सर्विसिंग होगा आपके आंखों के सामने एकदम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, ये है वॉशिंग सेक्शन गाइस, यहाँ पे मतलब जो ये टेनर वॉश हो रहा था, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है वो हम लोग मतलब फोम वॉश प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो गाइस ये देखिए फोम मशीन ये रहा एंड यहाँ पर फोम वॉश होता है, वो फोम वॉश करते हैं। तो अभी जो ऑफर चले 149 में उसके साथ फोम वॉश भी फ्री है, जो मतलब पेड सर्विस में जो सर्विसिंग में 360 के आसपास होता है। एंड आपका नॉर्मल सर्विसिंग में चेन क्लीन फोम वॉश सब इंक्लूडेड होता है ना? चेन क्लीन इंक्लूडेड होता है, लेकिन चेन क्लीन का अलग लगता है। ओके, और एक्स्ट्रा मतलब वो पॉलिश भी कर देते हैं, मतलब वॉश के बाद सर्विसिंग का पॉलिश भी हो जाता है। ठीक है गाइस, सो गाइस आपको पता चल गया कि ये कौन सा जगह है। लाइक एक ट्रैक्टर शोरूम में सोनाली ट्रैक्टर और उसके बगल से गाइस एक रोड जाता है लाइक लेफ्ट में, तो अगर आपको आना है गाइस आप लोग ऑब्वियसली भैया का नंबर, ये जो भैया है उनका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर गाइस देखिए ऑल टाइप ऑफ बाइक सर्विसिंग होता है, वॉश होता है, कोई पार्ट्स आपको जरूरत होगा तो पार्ट्स भी मिल जाएगा। तो चलते हैं गाइस, निकलते हैं अभी, चलिए देखिए काम हो गया, अभी निकलते हैं। दादा तो गाइस चलिए, हो गया धोलना, टाटा टाटा। सो हो गया धोलना गाइस, सभी निकलेंगे, ट्रेनर भी हो गया। क्लीन हो गया ना, अभी अच्छा लग रहा चला गया। सो गाइस हम लोग थोड़ा अभी गोलाब बाग के अंदर जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे एंड ये भैया एंड जो वो है गाइस आपको पता है वो लोग पहले भी राइड में आ चुके हैं। अगर आपने मेरा पहले वाला ब्लॉग कोई भी नहीं दिखाई, अगर आप फर्स्ट ब्लॉग देख रहे तो गाइस मेरा बहुत सारा ब्लॉग चैनल में, प्लीज़ आके चेक कर लीजिए। ये गाइस रास्ता बहुत ही जैम लगता है, हम लोग राइट थोड़ा जाएंगे, होपफुली गाइस रिएक्शन अच्छा मिलेगा। मैं चाह रहा था गाइस निकल जाते लेकिन पीछे हम लोग का इतना सारा सबको है ना। नी नी। अरे कैसे घुस रहा था वो, अभी अभी धो के निकाला गाइस, इतना आया है। होपफुली गाइस रिएक्शन आया, मैं तो देख ले रहा हूँ क्योंकि रोड इतना खराब कंडीशन में, मेरा पूरा कंसल्ट आओ 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 मेरा पूरा कंसल्टेशन गाइस रोड पे है। गाइस देखिए हाथ पूरा दर्द हो गया, मतलब ग्लव्स के अंदर भी। सो गाइस एक स्टोरी बना ले लो मैं अपने गाड़ी का, अगर आपको ये सब स्टोरी देखना तो ऑब्वियसली डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड धो चुका गाइस, धोने के बाद भी लेके गाइस ये सब धो के आया, लेकिन अभी अभी सब गंदा हो चुका है। सो गाइस मैं अभी इधर से निकल जाऊंगा एंड वो लोग उधर से निकल गया, अगर मैं उधर से आता तो मेरे को बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता। सो चलते चलिए, कितना ही बच के जाना पड़ रहा है गाइस, मतलब यही लास्ट गंदा रोड है गाइस, इसको क्रॉस कर देंगे इसके बाद सब अच्छा रोड है गाइस। देखा गाइस कैसे लेन में आता है, अगर ये लोग ठुकता है तो स्पीड का गलत हो जाता है।
ये जगह गाइस बस्ता है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ओए होए गाइस, आज रिएक्शन लेकिन बहुत अच्छा अच्छा मिला मुझे। अच्छा हुआ गाइस धो हुआ लिया, अब एक राइड करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा घर में जाकर इसको पूछ लूंगा।